जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज लेकर आ रहा हूं तो वो कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग का हिस्ट्री का है, इससे पहले हिंदी का मैं बना चुका हूं सीरीज वन। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, ये हमारा हिस्ट्री का पहला वीडियो है, आप लोग पूरी तरीके से जो बने रहिएगा, पूरी तरीके से जितने भी सारे मैं वीडियो लेकर आऊंगा, 10 वीडियो लेकर आऊंगा, 10 वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहां से कम जो हम लोग यानी 1200 प्रश्न का जो पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे प्रश्न पढ़ लीजिएगा, बस आंख बंद करके पढ़ लेना है लोग को, ये सारे आप लोग को आ जाएंगे। इस तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, और कम से कम आपने यहां से 10 से 15 प्रश्न पढ़ लीजिएगा, और यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, और आप लोग लास्ट में स्कोर बताइएगा और अपना सब्जेक्ट नेम लिख दीजिएगा लास्ट में कि कौन सा सब्जेक्ट जो आप लोग को चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग बोल दीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को वीडियो चाहिए, तो लास्ट में कॉमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो यहां पर एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम को करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों ने ये सारे प्रश्न पढ़े होंगे मुझे मेरे ख्याल से, अगर पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, देखिए दोबारा से रिविजन कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका हिस्ट्री सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आप लोग रिविजन बार बार कर लीजिएगा ये सारे प्रश्नों को। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर का अवशेष कहां से प्राप्त हुए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा दूसरा नंबर का, तो दूसरा का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों ने ये इस चैनल पर आप लोग को कंप्लीट तरीके से जो है एकदम जितने भी सारे मॉडल पेपर हैं न्यू पुराने जितने भी सारे प्रीवियस ईयर सारा कुछ कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, देखिए हरप्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा, तो तीन नंबर राइट आंसर ए नंबर क्या यानी मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से भी, क्योंकि कई बार मैं पढ़ा भी चुका हूं, और ये दोबारा रिवीजन जिसका अगर पढ़ चुके तो रिवीजन, वैसे आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे क्योंकि आप लोग का अब जो एग्जाम करीब में है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को तो पढ़ना तो जरूरी है, जो पढ़ लिए रिवीजन हो जाएगा उसका। देखिए लोथल कहां स्थित है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या 4 नंबर का ए नंबर यानी गुजरात में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन, आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा। अब यहां पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो जुड़वा राजधानी कौन सी थी, तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर श्रीनगर का होगा, यानी हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर, बी नंबर क्या होगा यानी मेगास्थनीज करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने शुरुआत की थी, तो यहां पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर श्री नंबर, श्री नंबर क्या होगा अशोक करेक्ट आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए वही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने में लेकर आ रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे मतलब आने वाले हैं। और देखिए मैं पिछले जो है कम से कम जो 4 सालों से यूट्यूब पर और ऑफलाइन में कम से कम 5 सालों से एक्सपीरियंस है, जो मैंने क्लास 12th की लाखों छात्र को मैं पढ़ाया हूं और उन्होंने अच्छा मार्क्स भी किए स्कोर किए, इसलिए आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ेगा। लास्ट में पीडीएफ के बारे में बता दूंगा कि कहां से ये पीडीएफ आप लोग को मिलने वाली है। यहां देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो 8 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी संगम पर की थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि इन्हीं किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो यहां पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर श्री नंबर, श्री नंबर यानी प्रभावती गुप्त करेक्ट आंसर क्या होगा, तो श्री नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि मेघस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो 10 नंबर का यहां पर करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर अशोक के मेघस्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे कि आप लोगों ने मतलब एग्जाम से पहले पहले कुछ क्वेश्चन आता है मेरे पास जो कि आउट क्वेश्चन उसको बोला जाता है, उस तरह का क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाएगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, इसलिए आप लोग को फायदा मिल जाएगा, इसलिए आप लोग को मैं बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब 11 नंबर के एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था, तो यहां पर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर डी नंबर है, डी नंबर क्या है राष्ट्रकूट ने किया था। ठीक है प्यारे, चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, यहां पर कह रहा है कि महाभारत कितने यानी महाभारत का जो युद्ध था वो कितने दिनों तक चला था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12 नंबर का डी नंबर, 18 दिनों तक चला था, राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसके काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत
जाति में परिवर्तन हो गई। तो 12 नंबर का यहाँ पर करेक्टर सर, हाँ जी एक मिनट, ये क्या था हमारा, एक मिनट, ये भी 12 नंबर है और ये भी 12 नंबर है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक मिनट थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 13 नंबर होगा, ठीक है। तो किस काल में वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत धर्म, एक मिनट चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। हाँ तो ये देख चुके हम लोग, वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई, तो यानी परिवर्तन जो हुआ था, यानी किस काल में जो वर्ण व्यवस्था वंशानुगत, यानी वंश जो है वो अलग जाति में परिवर्तित हो गई थी। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर लिखिएगा, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह यानी संपन्न किया था। तो संपन्न जो कौन सा विवाह किया था, सॉरी कौन सा विवाह जो संपन्न किया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 15 नंबर का, तो बी नंबर, यानी गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह का नाम है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग अरेंज और मैरिज बोलते हैं, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, तो वो यानी गंधर्व विवाह था, ठीक है जी, इसी तरह का। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो शिरोमणि राजगृह में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तलवंडी किस यानी संत का जन्म स्थान है। तो तलवंडी जो है यानी किस यानी एक मिनट, जी बिल्कुल, तलवंडी जो है जी किस प्रसिद्ध संत का जो जन्म हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर गुरु नानक का करेक्ट आंसर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कि आत्मा का यानी पुनर्जन्म मुख्य विषय है। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, यानी कौशिक की यानी उपनिषद का, ठीक है, कौशिक की उपनिषद का, ये काफी बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर का बी नंबर, सुत्त पीठक, करेक्ट आंसर का सुत्त पीठक राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर रायसेन में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि कालिदास भवभूति सुबंध एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के हैं। तो यहाँ पर 21 नंबर का करेक्ट आंसर होगा श्री नंबर, श्री नंबर का यानी शैव धर्म के करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला 22 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने स्तूप बनाए थे, कितने स्तूप बनाए थे, ये लगभग में, तो 84,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग एग्जाम में पूछा भी गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृतांत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जल्दी जल्दी से आप लोग को देखना है और जवाब भी 23 देने, तो इसका करेक्ट आंसर एन मनी अलबरूनी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया, तो कौन आया था। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, यानी फहियान करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उसका नाम था, उसका नाम क्या था। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, नहीं फ्रांस, क्या होगा, फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में यानी कौन किया था। देखिए इसका जवाब फटाफट से आप लोग बोलेगा, तो 26 का करेक्ट आंसर बिन्होंने इब्न बतूता ने किया था, यानी डाक व्यवस्था का जो है, इन्होंने डाक व्यवस्था के बारे में भी बताया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस शासक के दरबार में आया था, सबसे पहले जो आया था वो किसके दरबार में आया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सदा इसका बिन्होने जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कई कह रहा है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 28 नंबर ए नंबर, ए नंबर क्या होना, सिख धर्म से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 29 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी हाँ बिल्कुल, अब देखेंगे अगला, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंडाल का सही परिचय है। तो अंडाल कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर 30 नंबर राइट आंसर ए नंबर, यानी क्या थी, वह एक अलवार स्त्री थी, यानी अलवार की स्त्री थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, अंडा यानी विष्णु को अपना पति जो मानती वो अंडाल, अपना अंडाल को मान, सॉरी अंडाल जो है अपना पति विष्णु को ही मानती थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 32 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर क्या, यानी बल्लभाचार्य करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुल्तानुल हिंद किसे कहा गया है। तो सुल्तानुल हिंद जो कहा गया वो किसको कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो यहां पर करेक्ट आंसर ए नंबर, अकबर ने बनाया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे? तो यहां पर राइट आंसर डी नंबर, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राज यानी राजवंश के शासक थे उनका नाम था, क्या नाम था? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 36 नंबर का, तो 36 का राइट आंसर बी नंबर यानी गणपति। ठीक है, गणपति था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न इतने सारे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ने पूरी तरीके से पढ़िएगा जरूर। ठीक है, देखिए यहां क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो त्रिपति के समीप थी उसका क्या नाम था? तो यहां पर करेक्ट आंसर ए नंबर है, क्या होगा, यानी चंद्रगिरी नाम था। चंद्रगिरी नाम था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि उड़ीसा के गणपति राज्य की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 38 का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, यानी 1435 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगला क्या बोला जा रहा है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत तीन समुद्र पार की यात्रा लिख कर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। तो यहां पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, अफनासी निकेतन करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। तो यहां पर 40 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर का डोमिंग पोइज, क्या नाम था, डोमिंग पोइज नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अमुक्त मुल्याद लिखी, तो किसने लिखी थी? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 41 करेक्ट आंसर डी नंबर, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मुल्याद लिखी थी। कृष्णदेव राय जो है महान शासक था, उन्होंने उन्होंने जो अपने खुद से ही एक बुक को भी लिखा था। ठीक है, जो इसका नाम था आमुक्त मल्याद। अब यहाँ देखिए दीने एलाई संबंधित, तो किससे है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 42 नंबर का श्रीनगर, अकबर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से बोलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 43 नंबर का डी नंबर, अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल यानी फसलें होती थी, तो कितनी जो है सिंचाई क्षेत्रों में यानी फसलें होती थी? तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर बी नंबर, तीन भागों में होती थी। ठीक है, और अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि मतलब आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा है, तो आप लोग को पता है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा इसका आंसर, यानी आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो कॉमेंट जल्दी जल्दी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, आईने अकबरी एवं सॉरी अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 46 नंबर का, तो 46 करेक्ट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बी नंबर, क्या होगा, नहीं डब्ल्यू एच मोरलैंड, करेक्ट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फटाफट से आप लोग देखिएगा। अब यहाँ देखिए जीतल क्या है, तो जीतल क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने, तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, श्रीमत सिक्का था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो श्रीमान औरंगजेब। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? तो यहाँ पर 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी बदायूनी। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, यहाँ पर आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन लाइक करके शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 नंबर, मुगल सम्राटों में यानी सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है, तो किसको माना जाता है? तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर के जलालुद्दीन अकबर को माना जाता था, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुलह कुल का अर्थ है, तो सुलह कुल का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, पूर्ण सार्वभौमिक शांति, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर होगा। ओके, चलिए आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है, आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग जो आगे से और भी ज्यादा जो आप लोग के लिए मेहनत करके सारा कुछ लेकर आऊं जो आप लोगों को फायदा हो। अब यहां पर देखिए 53 नंबर, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो 53 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, जहांगीर राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुलबदन बेगम
ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? तो 54 का राइट आंसर ए नंबर नहीं, अकबर के यानी राइट आंसर होगा ए नंबर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, तो कौन रहती थी? यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना है, तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर में जहां आरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सुलुए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा यानी अकबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, शासक कौन था? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा था वो किससे जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी कॉर्न वाले से जुड़ा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था, तो कौन था? तो यहां पर करेक्ट आंसर 59 नंबर का, तो 59 का राइट आंसर बी नॉट राजा यानी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है और आप लोग देखिए सबसे पहले कौन इसका जवाब दे पा रहा है और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कौन दे रहा है, और आप लोग ने कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि अगला जो वीडियो लेकर आऊं तो किसका लेकर आऊं, आप लोग जरूर बोलेगा। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूं कि सभी का मैं सीरीज लेकर आने वाला हूं सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितना जिस सब्जेक्ट पर कमेंट होगा उसमें जो है फटाफट में लेकर आऊंगा वीडियो। ठीक है, तो यहां पर देखिए महाराजा महताब चंद्र का यानी जीवन काल था, तो यहां पर 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, क्या होगा 1820 से 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में पता था नहीं था, फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बोलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बोलेगा, और देखिए मैं आप लोगों के लिए जो है देखिए क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आप लोगों को 10-10 से 15 मॉडल पेपर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को 1200 से अधिक क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा, जो कि आपका 100% 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। और सब्जेक्टिव के लिए चिंता मत कीजिएगा, सब्जेक्टिव का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो यानी कुछ दिन पहले एग्जाम से 2-3-4 दिन पहले मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग जो वो सारा लिख करके आ जाइएगा। तो आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल में जाइएगा, गूगल में आप लोग टाइप करना bbphelp.com या फिर आप लोग जाकर के वहां पर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक, और फिर अगले लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कैसा वीडियो लगा आप लोगों को।